समान अवसर की मांग करता भारतीय व्यापार जगत। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दैनिक जागरण अखबार में भारतीय बिजनेसेस में सभी को समान अवसर पर एक लेख लिखा है। राहुल गांधी इस लेख में भारत के भविष्य के लिए उद्योग के लिए एक नई डील की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी लिखते हैं, भारतीय बिजनेसेस किस रास्ते पर आगे बढ़े, चुनाव आपका है। एकाधिकार बनाम निष्पक्ष नीतियाँ, कनेक्शन बनाम योग्यता, धमकाना बनाम इनोवेशन, कुछ लोगों का एक छत्र राज बनाम नौकरियाँ। भारतीय बिजनेसेस के लिए न्यू डील सिर्फ विकल्प नहीं, बेहतर भविष्य के लिए समय की मांग है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पूरी व्यवस्था को एक विशेष व्यक्ति और उसके समूह की सहायता के लिए झुका दिया है। एकाधिकारवादियों के पक्ष में काम किया जा रहा है, अपने मित्रों को मोदी फायदा पहुंचा रहे हैं और आम आदमी को डराया धमकाया जा रहा है। राहुल गांधी आगे लिखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश के राजाओं और नवाबों के साथ साझेदारी कर उन्हें रिश्वत देकर या फिर डरा धमका कर इस देश पर नियंत्रण किया। उन्होंने हमारे देश के बैंकिंग, प्रशासनिक और सूचना तंत्र पर नियंत्रण किया। हम किसी देश से अपनी आजादी नहीं हारे, बल्कि हमें एक एकाधिकारवादी निगम ने हराया और फिर दमनकारी तंत्र चलाया। अब मूल ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म हो गई है, लेकिन अब उसकी जगह एकाधिकारवादियों की नई नस्ल ने ले ली है। अब समय आ गया है कि मोदी सरकार जनता को जवाब दे कि देश के संसाधनों पर केवल कुछ लोगों का अधिकार क्यों हो रहा है और समान अवसर से बाकी देशवासियों को वंचित क्यों रखा जा रहा है।